रुक से फेर जाने दो, अपनी आंखों के जाम पी जाने दो। हम साने लगा है जीने में, ये धक धक का जो शोर मर पाए, क्योंकि तुम रखती हो मेरे सीने में। सुभान ने फैमिली मैसेजिंग ग्रुप में कुछ मैसेज किया है, क्या हो सकता है? उससे मेरा बेटा तो जीतने ही वाला है, तुमसे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी जीतने वाली है, समझी तुम? दुआ तू समझने की कोशिश कर। सुभान ने इबादत से शादी जरूर की है, मगर वो इबादत से मोहब्बत नहीं करता है। सुभान ने शादी सिर्फ तेरे हुक्म की तामील करने के लिए की है, अपना फर्ज निभाने के लिए की है। मुझे तो डर है, बल्कि मुझे लगता है कि सुभान आज भी मन्नत से मोहब्बत करता है। अम्मी, आपका डर बिल्कुल गलत है। सुभान दिल से मन्नत को चाहता था, इसीलिए शायद मन्नत उसके दिल के किसी कोने में एक बुरी याद की तरह बसी हुई है। इसका मतलब ये नहीं हुआ अम्मी कि सुभान आज भी मन्नत को चाहता है। सुभान एक नेक दिल बच्चा है, चाहे कयामत भी आ जाए ना, वो इबादत से कभी भी बेवफाई नहीं करेगा। दुआ, मर्द कच्चे कानों के होते हैं बेटा। मैं मानती हूं कि सुभान नेक है, मगर मन्नत नेक नहीं है। मन्नत ने अगर सुभान को बहका कर बेवफाई करने पर मजबूर कर दिया तो? आप क्या बोले जा रही हैं अम्मी? मैं दूर की सोच रही हूँ दुआ, जो कल होने वाला है वो मैं आज देख रही हूँ। तू तो जानती है ना मन्नत कितनी जिद्दी है। मन्नत ने अगर ठान लिया तो इबादत और सुभान के बीच दरार पैदा करने में वो जमीन आसमान एक कर देगी। मन्नत सुभान को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाएगी। क्यों नहीं समझ रही है तू दुआ? क्या बोले जा रही है अम्मी? मैं मानती हूँ अम्मी, मन्नत जिद्दी है, शैतान है, शरारती है, लेकिन बेहया नहीं है वो। मेरी बात समझने आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं मन्नत की हिमायत नहीं कर रही हूँ, आप मुझे उसकी अम्मी के नजरिए से मत देखिए, बल्कि एक इंसाफ पसंद इंसान के नजरिए से देखिए। मन्नत लाख बुरी सही, लेकिन वो इतनी गिरी हुई नहीं है कि अपनी खुद की बहन का घर उजाड़ दे। अरे उजाड़ देगी वो इबादत का घर? मुझे मन्नत पर पूरा भरोसा है कायनात। तुम खामखा सोच रही हो इतना बेटा? अरे मन्नत है वो, मन्नत। देखा नहीं तुमने कैसे अपनी जिद की खातिर उसने पूरे खानदान की इज्जत को दांव पे लगा दिया था? अरे इतना मत सोचो बेटा, सुभान और इबादत को अलग करने में मन्नत ही तुम्हारे काम आएगी, देख लेना। वो सुभान और इबादत को अलग करेगी या नहीं करेगी ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन वो लड़की मेरी जान जरूर ले लेगी। पागल है वो, आप सोच भी नहीं सकती, ऐसे घुमा घुमा कर फेंका है उसने मुझे, कमर तोड़ दी है, मतलब बहुत दर्द हो रहा है और सर घूम रहा है अलग से। अगर अभी से वो मेरे साथ ऐसा सलूक करिए तो जरा सोचिए, घर को अगर वो मेरी बहू बन गई ना तो यहाँ से बात एक देगी मुझे। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं कर सकती। हो जाओ तुम एक मिनट, कहना खुदा के लिए बेटा मेरी बात तो सुनो ना तुम। देखो एक बात याद रखना, अगर तुमने मन्नत का साथ नहीं दिया, उसे मुंह मोड़ लिया ना, तो फिर तुम बहुत पछताओगे। क्योंकि याद रखना कायनात, गजल का वो गंदा खून इबादत तुम्हारा घर गंदा करेगी। मानती हूँ मैं मन्नत है थोड़ी सी तेज, मगर है तो वो खानदानी। और दूसरी और सबसे अहम बात, इबादत और सुभान को अलग करने के लिए तुम्हारे पास मन्नत के अलावा और कोई पत्ता नहीं है खेलने के लिए। मन्नत तुम्हारा वो हथियार है कायनात, जिसका इस्तेमाल करके तुम अपने बच्चे को वापस हासिल कर सकती हो बेटा। क्योंकि इबादत तो सुभान को छोड़ने से रहे, और सुभान भी ऐसे क्यों छोड़ेगा बताओ मुझे? इबादत खूबसूरत है, फरमा बरदार है, एक अच्छी बीवी बनने की सारी खूबियां हैं उसमें। हाँ एक कमी है,
वो मन्नत नहीं है और इसका फायदा उठाओ तुम। अगर तुमने मन्नत का साथ नहीं दिया ना कायना, तो हार मन्नत की नहीं तुम्हारी होगी। अभी वक्त नहीं आया कि तुम अपने शौहर को छू सको। ये रिश्ता अभी अधूरा है। मियां बीवी का रिश्ता मोहब्बत से बनता है, जो तुम्हारे लिए सुभान के दिल में नहीं है। इसलिए अपने जज्बात पे काबू रखो। जो तुम न मिले।
जीने में ये दर्द का जो शोर बरपा है, क्योंकि तुम धड़कती हो मेरे सीने में। क्या शायरी की है मैंने, सुभान अल्लाह, आखिर नाना जान पे गया। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। क्या हुआ बस? जितनी दफा डरी सी घबराई सी क्यों? रात को इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं भरा क्या? इतने मेरे करीब आ गए। सुभान, मैं कहाँ तुम्हारे करीब आई, वो तो तुमने। दूर जाना नहीं तुम तो कसम खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते। कहने का वक्त नहीं है बाद, ये वक्त तो करने का है। क्या भाई, जिससे ये जिंदगी वजूद में आती है, जिसके लिए दुनिया बनी है, जिसके बाद सुबह होती है, जिसके लिए रात बनी, रोमांस रोमांस इबादत रोमांस। जैसे तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है, मुझे ना नींद में अजीब अजीब हरकतें करने की बीमारी है, इसलिए मैंने तुम्हें गले लगा लिया। अब तो मुझे नहाना पड़ेगा। सॉरी बदत। नहाना पड़ेगा मतलब ये तुम किसके बारे में बोल रहे हो? क्या तुम्हारे सिवा कोई और भी है क्या? शट अप जुबान। मैं कोई कीचड़ या मिट्टी थोड़ी हूँ कि मुझे गले लगाने के बाद तुम्हें नहाना पड़ेगा। ये तुम इस तरह से बर्ताव नहीं कर सकते मेरे साथ। तुम देखती जाओ बेगम साहिबा, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। गुड़ू खोई के ऐसे नहीं मानोगे तो अभी नानी अम्मी और अम्मी से शिकायत करती हूँ मैं तुम। सुभान क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें तुम्हारा फोन चाहिए ना? मेरा फोन वापस दो। सुभान मैंने कहा मेरा फोन दो। ले लो फोन। ओके क्या फोन गिरा दिया? सुभान रुको, अभी कभी मेरा फोन निकाल के दो। ओ हेलो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, शौहर हूँ, खुद निकालो अपना फोन। ओके सुभान, क्या बदतमीजी है ये, फोन निकालो।
सुभान। तुम अपना फोन निकालने में बिजी रहो, तब तक मैं मन्नत का जी जलाने की तैयारियां करता हूं। अरमान दो ने थोड़ा काम भी कर ले। अरे भाई आज मन्नत साहिबा कहाँ है? कल तो सबको बढ़ चढ़ के खाना खिलाया जा रहा था, आज नहीं खिलाना उसे सबको अपने हाथ का खाना? मन्नत फिर से नहीं निकलेगा, कुछ और करना पड़ेगा। घर वालों के ग्रुप में इस तरह के मैसेज डालते हैं क्या? अभी बताती हूँ मैं उसको। सुभान, अम्मी आप सुभान को आराम से इत्मीनान से डांट लेना, पहले मेरी बात सुनिए। अरे पर आपको फिक्र हो रही थी ना, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि अगर सुभान ने इबादत से निकाह किया है तो उससे बेवफाई कभी नहीं करेगा। अब तो आपको सबूत भी मिल गया, बच्चे कितने खुश लग रहे हैं। बच्चे खुश तो हम सब खुश। हे निगू, जूस देना। मेरा नाम निगार है, निगू नहीं। ये लो। तुम्हारा नाम निगार किसने रख दिया? तुम्हारा नाम निगार नहीं सिगार होना चाहिए। सारा टाइम सुलगती रहती हो। बदतमीज। कहाँ जा रही हो? बैठ के नाश्ता करो। नाश्ता आप करिए हफीज साहब। मेरा पेट तो ये बेशर्मी वाला वीडियो देखकर ही भर गया। खैर करे, तू क्या देखे जा रही है? जवान जवान बच्चे हैं इस घर में, क्या असर होगा इस सब पे? पता नहीं आजकल के बच्चे पागल हो गए सबके सब। अरे बेवकूफो, अपने दिन भूल गए क्या?
मेरी बॉस हूँ। क्या हुआ पोपी जान? आप चुप, मेरी बात ध्यान से सुन। उस दिन तुम मुझे मेरी औकात दिखा रही थी ना, अब तुम्हारी औकात सबके सामने आने वाली है। पोपी जान हद में रही है। मैं हद में ही हूँ समझी? मुझसे मेरा बेटा तो छूटने ही वाला है, लेकिन तुमसे तुमसे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी छूटने वाली है, समझ तुम? ये देखो, देखो ये वीडियो। सुभान ने फैमिली मैसेजिंग ग्रुप में कुछ मैसेज किया है। क्या हो सकता है? मैसेज डिलीट कर दिया। ऐसा कैसे किया होगा?